पहले इसमें आईसी एक है या दो है, इसको इसकी हीट सिंक को खोलेंगे हम, देखते हैं इसमें आईसी एक निकलती है, दो निकलती हैं, और आईसी कौन सी लगी हुई है। बायर कंपनी का बोर्ड है ये दोस्तों, देखने में काफ़ी हैवी लग रहा है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, इसमें दो आईसी लगी हुई हैं, 3116, और इसमें ये ओरिजिनल वाली आईसी है, ये वाली। ये दो स्पीकर चल रहे हैं, स्पीकर इधर उधर घूम रहा है, देखिए देखिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, मदेन उच्चन टेक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम टेस्ट करने वाले हैं 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड है ये, क्लास टी में, और इसका इसमें आईसी लगी हुई है TPA3116D2। तो दोस्तों, इसमें दो आईसी हैं, इसमें आप दो स्पीकर और एक बेस ट्यूब के मतलब से है इसका जो तीसरा पॉइंट है, जो जिसमें आप सब वूफर या फिर वूफर चला सकते हैं, जिसे आप 2.1 होम थिएटर हैवी वाला बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें 12 और 24 दोनों सप्लाई से ऑपरेट हो जाता है, काफ़ी हैवी बोर्ड है, और इसमें हीट सिंक भी काफ़ी बड़ी लगी हुई है, और इसमें ये आपका लो पास के लिए, बेस के लिए इसमें टोन दिया हुआ है, पोटेंशियल मीटर। दोस्तों, इसमें छोटी आईसी दी हुई है यहाँ पे 4558 जो, और इसमें यहाँ पे ये इसका इनपुट मोड है यहाँ पे, और इसमें ये म्यूट वाला फंक्शन है, इसमें ये जैक जो है। दोस्तों, इसमें आज हम इसको चेक करेंगे कि इसकी साउंड कैसी आती है, और इसमें हम इसमें 2 10 इंची वाले और एक इसमें 12 इंची, 12 इंची इसमें नॉर्मल आराम से चला सकते हैं आप बूफर या सब बूफर, और दो स्पीकर इसमें 50-50 वोल्ट वाले चला सकते हैं। तो दोस्तों, इसको देखते हैं, पहले इसमें आईसी एक है या दो है, तो इसको इसकी हीट सिंक को खोलेंगे हम, देखते हैं इसमें आईसी एक निकलती है, दो निकलती हैं, और आईसी कौन सी लगी हुई है। बायर कंपनी का बोर्ड है ये दोस्तों, देखने में काफ़ी हैवी लग रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं इसका आईसी को निकाल के, देखते हैं इसकी हीट सिंक खोलते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे स्क्रू दिए हुए हैं। दोस्तों, इसको देखते हैं, इसमें आईसी एक है या दो है। तो दोस्तों, उसको हमने खोल लिया है, देखिए दोस्तों, इसमें दो आईसी लगी हुई हैं, 3116, और इसमें ये ओरिजिनल वाली आईसी हैं, ये वाली। तो दोस्तों, इसमें हीट सिंक भी काफ़ी हैवी दी हुई है, जो कि इस पर पेस्ट लगी आती है, जिससे आईसी हीट होने की शिकायत नहीं आती है, इसलिए इसको लगा दिया जाता है। तो इसको जैसा था वैसे ही कस देते हैं और इसको चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें हम इसको चेक करेंगे 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों से चल जाता है हालांकि, लेकिन हम इसको 12 वोल्ट पे चला के चेक करते हैं, और 24 पे अगर आप कमेंट करेंगे तो 24 पे भी चेक करा देंगे अगले वीडियो में, और इसी वीडियो में अगर कमेंट करते हैं तो अभी चेक करा देंगे, एक दो दिन के गैप में अगला जो वीडियो बनाएंगे हम उसी के साथ में इसका। तो दोस्तों, 12 वोल्ट पे इस पर कैसी साउंड आती है ये चेक करेंगे हम। दोस्तों, इसका एक बार हम कनेक्शन कर लेते हैं, और इसमें इसके लिए हम यूज करेंगे 12 वोल्ट वाली सप्लाई, क्योंकि इसमें ये वाली, इसमें हमने 12 वोल्ट और इसमें 5 वोल्ट दोनों, कभी कभी क्या है हम चेक कराते हैं तो मॉड्यूल के लिए हमें लिथियम बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमने इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई होती है, तो इसी में से हमने 12 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों ही निकाल दिए हैं। तो उसमें यूज आएगा हमारा एक तो ये बोर्ड सप्लाई, एक ये मॉड्यूल USB मॉड्यूल, और इसके लिए हमें चाहिएंगे दो स्पीकर 10 10 इंची वाले, और एक चाहिए 10 10 इंची वाले, दो स्पीकर
ये वाले। तो दोस्तों इनको यहाँ पे हम रख लेते हैं और इसका कनेक्शन करेंगे। दोस्तों इसकी सप्लाई को हटा देते हैं हम साइड में। तो दोस्तों इसका स्पीकर के दोनों कनेक्शन करेंगे, तो इसके लिए हमें जैक की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने कनेक्टर पहले से निकाल के रखे हुए हैं। देखिए दोस्तों ये इसमें ये वाले हम कनेक्टर यूज करेंगे, जिससे इसको हम सीधा कनेक्ट कर देंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। और ये इसमें दूसरे स्पीकर के लिए, और ये इसका मॉड्यूल से पेन ड्राइव या ब्लूटूथ जो भी चलाएंगे मॉड्यूल से कनेक्ट करने के लिए, इसके लिए चाहिए। और दो वायर चाहिएंगे हमें ये इसमें 12 और 24 की सप्लाई पे लगाने के लिए। और एक चाहिएगा हमें ये बेस स्पीकर के लिए, जो सब ऊपर तो है नहीं हमारे पास फिलहाल उपलब्ध। इसके लिए हम सब ऊपर तो है नहीं हमारे पास इस टाइम अवेलेबल, तो इसके लिए हम इसमें 12 इंची वूफर 134 mm वाला स्पीकर चेक करेंगे। दोस्तों तीनों स्पीकर को एक साथ चेक करेंगे बारी बारी से, और देखेंगे कि साउंड में कितना चेंज आता है। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम इसकी वायर को जोड़ते हैं, तो इसके लिए हम इसको इसकी वायर दोनों को कनेक्टरों को सोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक स्पीकर हो गया, और इसको हम रख देते हैं इधर से, और ये हमारा हो गया दूसरा स्पीकर हो जाएगा। इसमें भी वायर ये हमारा दूसरा स्पीकर हो गया 10 इंची। दोस्तों अब इसमें हम ये कनेक्टर लगेंगे हमारे यहाँ पे, ये दो स्पीकर के लिए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट राइट, और ये बेस जिस पे लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये बेस, तो ये बेस वाले स्पीकर के लिए है। तो दोस्तों इससे आप होम थिएटर घर पे ही बना सकते हैं, काफ़ी हैवी बोर्ड है। तो इसका ये जो लाल कनेक्टर दिया हुआ है इस पे यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई लगेगी, 12 और 24 किसी से भी चला सकते हैं आप। दोस्तों इसके लिए हम इसमें रेड वायर यूज करेंगे इसके प्लस के लिए, ये वाली वायर प्लस पॉइंट के लिए। और ये ग्रीन वाला हम करेंगे यूज इसके नेगेटिव पॉइंट के लिए, माइनस अर्थ के लिए। दोस्तों इसमें हम 12 वोल्ट सप्लाई से इसको ऑपरेट करेंगे। और दोस्तों ये हो गया हमारा, और हम इसको एक 12 इंची का बूफर और निकाल लेते हैं, उसको भी हम अटैच करेंगे बारी बारी से, सभी को चेक कराएंगे एक बार। अगर दोस्तों हमने ये दोनों स्पीकर कनेक्ट कर दिए हैं, और 12 इंची ये वाला 134 mm जिसकी 38.4 कोयल आती है, इसकी 1.5 इंची वो वाला स्पीकर है, इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ा इसका वायर लंबा करना पड़ेगा, तो इसके कनेक्टर में हम थोड़ा वायर और जोड़ देते हैं, क्योंकि तीनों स्पीकर यहाँ पे आ नहीं पाएंगे हमारी टेबल पे, तो इसलिए थोड़ा इसको वायर हम लंबा करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे दूसरा वायर इसमें जोड़ देते हैं, जिससे तीनों स्पीकरों को बारी बारी चेक कर पाएँ। दो स्पीकर और एक रहेगा आपका ऊपर, तो इसके लिए हम इस पर स्लीव चढ़ा देंगे यहाँ पे, जिससे वायर आपस में टच ना हो। हालांकि कार्ड ये प्रोटेक्शन वाला है, इसकी अगर वायर आपस में स्पीकर की टच भी हो जाती है तो प्रोटेक्शन में चला जाता है।
कोई भी आईसीवाईसी खराब होने का चांस नहीं रहता है, जिसका प्रूफ हम आपको वीडियो में दिखा देंगे। काफ़ी शानदार बोर्ड है ये दोस्तों, ये हमने कर दिया है लंबा वायर और इसके स्पीकर में जोड़ देते हैं ऊपर में यहाँ पे, इसको यहाँ पे प्लस वाला इधर लगाना है अपने राइट हैंड पे। स्पीकर में हमेशा राइट पर का प्लस होता है, कभी कभी मैग्नेट अगर उल्टी लग जाती है तो नेगेटिव की तरफ आता है, नहीं तो। ये देखिए दोस्तों, ये हमने जोड़ दिया है, अब हम ऑन करते हैं इसका ये वाला सिस्टम। तो दोस्तों ये हमने अभी निकाला हुआ है, एक एक करके बारी बारी चेक करेंगे। तो पहले हम कनेक्ट करेंगे मॉड्यूल को, देखिए इसका वायर का कनेक्शन दिखा देता हूँ मैं आपके लिए दोस्तों। इसमें यहाँ पे ये दोनों स्पीकर हैं, लेफ्ट ये वाला लेफ्ट है और ये राइट है, और ये बेस के लिए हैं दोनों, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो कि इसमें सबवूफर लगता है, इसमें स्पीकर लगेंगे इसमें, और ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। इसमें दिया हुआ है 12 to 24, देखिए यहाँ पे दिख रहा हो तो आपको, यहाँ पे इस जगह मेंशन किया हुआ है 12 और 24 दोनों दे रखे हैं इसमें। थोड़ा इसका जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे 12 और 24 ये बीच में दिख रहा है लाल कनेक्टर के जस्ट नीचे। दोस्तों हम इसको यूएसबी मॉड्यूल को जोड़ेंगे, और इसके लिए हमने कनेक्टर ये वाला लगाना है ऑडियो के लिए, और इसका लगाना है इसके इनपुट में। तो दोस्तों इसका वॉल्यूम, जो स्पीकर का वॉल्यूम तो कंट्रोल होगा आपका रिमोट से, इसके रिमोट से, और बेस आप इस वाले पोटेंशियल मीटर से कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सॉरी। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे ये कर दिया है। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पे इसके डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे इसको 12 वोल्ट से, दोस्तों ये हमने प्लस वाला लगा दिया है, और इसको कवर कर देंगे यहाँ पे, और ये हमारा माइनस वाला हो जाएगा। इसको बाहर थोड़ा और थोड़ा निकालना पड़ेगा हमें दोस्तों, ये हमारा माइनस ये हो गया। और दोस्तों ये वाली सप्लाई हमारी 5 वोल्ट हमने सप्लाई से ही निकाल रखी है इस वाली से, तो ये हमारी एसी से ऑन हो जाएगी यहाँ से ही, जो कि यहाँ पे दिख जाएगी। जगह की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, तो दोस्तों ये यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे हम 5 वोल्ट, यहाँ पे ये वाला जैक 5 वोल्ट का है दोस्तों। अब इसको ऑन करते हैं, देखिए इसको स्विच ऑन करते हैं, देखिए तो दोस्तों ये ऑन हो गया है। अब देखिए इसकी ऑडियो खोलता हूँ, तो दोस्तों ये हमने कनेक्ट कर लिया है, हम इसको ऑन करेंगे इस सप्लाई से, और इसमें 5 वोल्ट हमने दे दिया है, तो दोनों वर्क हमारा इसी से हो जाता है 5 वोल्ट। नहीं तो हमें पहले लिथियम बैटरी लगानी पड़ती थी, या फिर अलग से 7805 लगानी पड़ती थी। तो दोस्तों ये सप्लाई हमारे लिए बहुत यूजफुल हो रही है। तो दोस्तों हम इसको ऑन करते हैं, अभी हमने 12 इंची वाला वूफर नहीं लगाया है, पहले हम इसी को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें फॉवर आ गया, देखिए दोस्तों दोनों ऑन हो गए हैं। तो इसके लिए हम दूसरा मोबाइल यूज करेंगे इसके ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा कनेक्ट हो गया है मोबाइल, अब हम इसमें NCS सॉन्ग लगाएंगे। दोस्तों
मेन कंट्रोल रिमोट से होगा, जो यूएसबी मॉडल है, मॉड्यूल है सॉरी। और आपका अभी हमने दो स्पीकर लगा रखे हैं, देखिए इसका वॉल्यूम मैं खोल रहा हूँ तो अब हो रहा है, ये दो स्पीकर चल रहे हैं, मेरा एक स्पीकर लगाऊंगा और देखिए दोस्तों ये एक स्पीकर है, ऑन देखिए दोनों स्पीकर है। दोस्तों ये दोनों स्पीकर मैंने ऑन किए हैं अभी, अब मैं इनको दोनों को निकाल देता हूँ और अब लगाएंगे हम इसको, थोड़ा हम हटा देते हैं एक स्पीकर को, अभी लगाएंगे हम 12 इंची वाला और वो लगाएंगे, अभी मैंने इसको पॉज कर दिया है वॉल्यूम को, और ये लगेगा हमारा इस वाले में। तो दोस्तों ये बेस वाला है तो देखिए इसका, अब देखिएगा आवाज़, जिसका वॉल्यूम मैंने यहाँ से देखे देखे दोस्तों, अभी मैंने वॉल्यूम कम कर रखा है तो देखे दोस्तों स्पीकर इधर उधर घूम रहा है, देखिए बहुत जबरदस्त बेस आ रहा है। हमें एक एक करके इसका स्पीकर भी लगाएंगे हम इसमें, काफी शानदार आवाज है। हमने ये वाला पिचकट डाला था जो इसने उछाल के दूसरी तरफ फेंक दिया है, तो देखे दोस्तों दोस्तों, काफ़ी शानदार आवाज़ है और इसमें आप आराम से नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं आएगी और कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है। और दो आईसी हैं, एक आईसी से आपके दोनों ये स्पीकर चलेंगे और एक आईसी से आपका ये 12 इंची वाला, ये 50+50 और ये 100 वोल्ट, इस हिसाब से 200 वोल्ट का होता है। अभी तो मैंने ये सिर्फ आपको 12 वोल्ट सप्लाई पर ही चेक कराया, जो कि मैं वोल्टेज आपको कन्फर्म करा देता हूँ कि 12 वोल्ट पे चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये इधर वाला नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और देखिए मैंने 200 की रेंज में लगाया हुआ है, 12 वोल्ट की रेंज में चल रहा है अभी। और इसको अगर 24 वोल्ट पे चलाएंगे तो आवाज़ और भी बेटर आएगी। आवाज़ का मतलब ये समझ लीजिए कि जस्ट डबल आवाज़ में क्लियरिटी आ जाएगी, बेस बढ़ जाएगा और बाकी क्वालिटी बढ़ जाएगी कुल मिला के साउंड की। तो काफ़ी हैवी एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर बोर्ड है, और इसको आप 12 वोल्ट 24 वोल्ट करना पड़ेगा।
दोनों स्पीकर के लिए आपको रिमोट यूज करना पड़ेगा, और बेस वाले के लिए, वूफर के लिए आप सीधे डायरेक्ट पोटेंशियल मीटर से काम चला सकते हैं। यहाँ से कमती बढ़ती हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।